कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आव्यूह का संयुग्मी क्या होता है? सपोज दैट जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए प्लस आई बी, जहाँ पर ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट। बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। आई को बोलते हैं आयोटा, आई को बोलते हैं आयोटा। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम जेड का कॉन्जुगेट हम फाइंड करें तो यह मिलेगा ए। जो आई है आयोटा है, उसके सामने यदि धन है तो यह हो जाएगा ऋण आई बी। इस प्रकार से इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। सपोज दैट फिर इसी का हम निकालें, जेड कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट निकालें तो ये मिलेगा ए, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस आई बी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेड कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट, तो हमें जो मिला है ये एक्चुअल में ये जेड का ही वैल्यू मिला है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट का, यदि जेड कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट है तो हमें जेड ही मिलता है। हम अभी पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है देखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है ए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन माइनस आयोटा टू आई, थ्री माइनस फोर प्लस थ्री आई। सपोज दैट इसका हमको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा वन एज इट इज रहेगा, आई के सामने जो साइन है माइनस ये परिवर्तित कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, आई के सामने यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये थ्री एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है, माइनस फोर आई है आयोटा, इसके सामने यदि प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा, बाकी चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स परावर्ती संयुग्मी आव्यूह किसे कहते हैं? यदि हम सबसे पहले ए का हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लें और ए का कॉन्जुगेट फाइंड करने के पश्चात हम इसी का ट्रांसपोज यदि फाइंड कर लें तो इसे हम कहते हैं परावर्ती संयुग्मी आव्यूह, और इसको हम ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इसको हम इस प्रकार से ए स्टार के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं परावर्ती संयुग्मी आव्यूह। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, सबसे पहले इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करना भी बताए थे, ये वन ज्यों का त्यों रहेगा, आयोटा है इसके सामने यदि माइनस है इसको हम ले कर लेंगे प्लस, आयोटा है इसके सामने प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये थ्री रियल पार्ट है ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस फोर एज इट इज रहेगा, आयोटा है उसके सामने प्लस है ये हो जाएगा माइनस। ये हमने एक कॉन्जुगेट फाइंड किया, अब हम एक कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करना जानते हैं कि जो एलिमेंट रो में है उसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, वन प्लस आई और माइनस टू आई, थ्री माइनस फोर और माइनस थ्री आई। ए कॉन्जुगेट फाइंड किया, फिर हम ट्रांसपोज फाइंड किया, इसी को हम बोलते हैं ए स्टार, और स्टार ये नोटेशन है परावर्ती संयुग्मी आव्यूह या ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। यदि हम ए कोई मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करें, फिर इसका हम कंप्लीट वन टाइम्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करें तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। सेकेंड है, यदि कोई मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए स्टार फाइंड करें तो हमें ए ट्रांसपोज मिलेगा। कब मिलेगा? जब ऑल एलिमेंट्स आर रियल, सारे एलिमेंट यदि रियल हैं तो ए स्टार फाइंड करेंगे तो हमको ए ट्रांसपोज ही मिलेगा। रियल कहने का मतलब ये है कि यदि मैट्रिक्स ए में सारे नंबर यदि रियल हैं, सारे नंबर रियल हैं,
इस प्रकार से यदि सारे एलिमेंट्स रियल हैं तो ए स्टार यदि फाइंड करेंगे तो हमें ए ट्रांसपोज ही मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि के कोई कांस्टेंट है और कोई मैट्रिक्स ए है, इसका होल स्टार हम फाइंड करें तो हमें मिलेगा के ए स्टार। स्टार मीन्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हमको मिलेगा, वेयर के इज एनी स्केलर। यदि कोई स्केलर है के, तो हमको इस प्रकार से ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिटी आव्यूह डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स ए ए आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें ए मिल जाए, और ए आई जे इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट जे आई, ये इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज मीन्स ट्रांसपोज करेंगे प्लस कॉन्जुगेट भी फाइंड करेंगे। फॉर ऑल आई जे वन की इक्वल होना चाहिए, जे का वैल्यू या वन से ग्रेटर होना चाहिए, जे की इक्वल होना चाहिए एन या जे से ग्रेटर होना चाहिए एन का वैल्यू। यदि हम ए स्टार फाइंड करें और हमको ए ही मिल जाए तो हम कहेंगे कि यह मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है या हर्मिटी आव्यूह है। एग्जाम्पल के लिए ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू थ्री वन प्लस आई वन माइनस आई और माइनस टू है। सबसे पहले हम ए कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो रियल नंबर एज इट इज रहेगा वन, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, वन माइनस है ये प्लस हो जाएगा, माइनस टू एज इट इज रहेगा। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, तो जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, थ्री वन माइनस आई जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे इस प्रकार से, और इसी को हम बोलते हैं ए स्टार। और ये हम देख रहे हैं ये किसका वैल्यू है, एक्चुअल में ए का वैल्यू है, इज इक्वल टू ए। हमने ए स्टार फाइंड किया तो हमें वापस ए ही मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स विषम हर्मिटी आव्यूह, ये क्या होता है देखते हैं। ए स्टार यदि फाइंड करें तो हमें माइनस ए मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को या ऐसे आव्यूह को हम विषम हर्मिटी आव्यूह कहते हैं। यदि ए स्टार होल ट्रांसपोज करें तो हमें माइनस ए ही मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को विषम हर्मिटी आव्यूह कहते हैं। एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए गिवन है, ए कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो वन, आयोटा है इसके सामने का साइन हम चेंज कर लेंगे, थ्री माइनस आई माइनस वन माइनस टू आई, ये टू आई माइनस वन प्लस आई आयोटा माइनस थ्री माइनस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा प्लस थ्री आयोटा। हमने ए कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, ए कॉन्जुगेट के बाद हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जीरो वन माइनस टू आई, थ्री माइनस आयोटा माइनस वन माइनस टू आयोटा माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन माइनस टू आयोटा माइनस टू आयोटा, वन प्लस आयोटा माइनस थ्री माइनस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा और प्लस थ्री आयोटा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में ए का वैल्यू। इस प्रकार से हम इस मैट्रिक्स से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, इस प्रकार से पूरे मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स से, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाएगा। आखिर में ये हमें ए ही मिला, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम विषम हर्मिटी आव्यूह कहते हैं। सम थ्योरम कुछ प्रमेय। थ्योरम फर्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इज एडॉप्टेबल फॉर सम, यदि ए और बी दो आव्यूह योग के अनुकूलनीय हो तब ए प्लस बी कॉन्जुगेट
इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ये थ्योरम है। एडॉप्टेबल या अनुकूलनीय का मतलब ये है कि हम हमारे पास टू मैट्रिक्स होना चाहिए जिसको हम ऐड कर सकें। लेट सपोज दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये दो मैट्रिक्स ऐसे होना चाहिए आर एडॉप्टेबल। इस बात का मतलब ये है कि टू मैट्रिक्स हमको लेना है जिसको हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें। मान लिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू 3+i 2 और 3 और 2+2i, ये टू मैट्रिक्स हमने ले लिया। इसी मैट्रिक्स को क्यों लिया, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स हमको लेना है जिसको हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें। सपोज दैट यहाँ पर हम 3 और इधर 4+i ऐसा लिख लें। अब इसका ऑर्डर हो गया 2x3 और इसका 2x2 हो गया, तो क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। तो ऐसे मैट्रिक्स हमको नहीं लेना है, हमको ऐसे मैट्रिक्स लेना है जिसको हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें। तो जिसको जिस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकें उसी को बोला जा रहा है एडॉप्टेबल या अनुकूलनीय हो जिसको हम ऐड कर सकें, तब ये थ्योरम कहता है ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, वो इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के कॉन्जुगेट प्लस मैट्रिक्स बी के कॉन्जुगेट, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये हमारा थ्योरम है। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए का वैल्यू है ए आई जे और प्लस बी का वैल्यू है बी आई जे होल कॉन्जुगेट। इसको हम ए आई जे प्लस बी आई जे होल कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इस प्रकार से ऐड के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज दैट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और प्लस जेड टू है और इसका होल कॉन्जुगेट है, तो इसको जेड वन और प्लस जेड टू वेयर जेड वन एंड जेड टू और बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका होल कॉन्जुगेट है, तो इसको हम जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज। अब इस बात को हम ए आई जे कॉन्जुगेट प्लस बी आई जे कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और ए आई जे को हमने क्या माना है, ए माना है, इसको हम ए कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। बी आई जे को हमने क्या माना है, बी, और बी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट, ये इक्वल होता है मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट प्लस मैट्रिक्स बी कॉन्जुगेट के ऐड के इक्वल होता है। वेरीफाई करते हैं, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 5-4i और 2+i और 5-2i। कॉन्जुगेट बी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो यह आ जाएगा 3-i 2, 3 और 2-2i। ये आ गया ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट का वैल्यू आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ये है राइट हैंड साइड। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2+3-i और यह आ जाएगा 5-4i और प्लस 2, यह आ जाएगा 2+i प्लस 3, यह आ जाएगा 5-2i और प्लस 2-2i।
आंसर आ जाएगा 2 और 3 5 माइनस आई, और 5 और 2 7 माइनस 4 आई, और 2 प्लस 3 5 प्लस आई, और 5 और 2 7 -2 -2 -4 आई। ये आ गया ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट का वैल्यू आ गया। अब हम ए प्लस बी करेंगे और होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 3 5 आई, 5 प्लस 2 7 प्लस 4 आई, 2 और 3 5 माइनस आई, 5 और 2 7 और 2 आई और 2 आई प्लस 4 आई। ये आ गया ए प्लस बी का वैल्यू। ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये आ जाएगा 5 माइनस आई 7 माइनस 4 आई, और 5 प्लस आई 7 माइनस 4 आई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड। आप इन दोनों वैल्यूज को चेक कर लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ये हमारा थ्योरम फर्स्ट है। यदि कोई टू मैट्रिक्स है जिसको हम ऐड कर सकें तो हम ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट फाइंड करें, या फिर ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट करें, वैल्यू सेम आएगा। सेकेंड थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इज एडॉप्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। यदि ए तथा बी दो आवयू हैं जो गुणन के लिए क्या हो, अनुकूलनीय हो, तब हमारा थ्योरम कहता है कि ए इंटू बी करें और उसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड करें, वो इक्वल होगा ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इस बात का मतलब ये है कि कोई सा भी टू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इसका ऑर्डर है एम बाई एन, और सेकेंड मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी जे के, और इसका ऑर्डर है एन बाई पी। ऐसा ऑर्डर हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका जो कॉलम है और इसके जो रो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स लेना है जिस मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकें और एडॉप्टेबल, और एडॉप्टेबल। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ए इंटू बी करें तो हमें मिलेगा ए आई जे एम बाई एन, और इंटू बी का वैल्यू बी जे के, और एन बाई पी। एन और एन कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा कुछ अलग एलिमेंट मिल जाएगा, सी आई के मिल जाएगा, और इसका ऑर्डर रहेगा एन बाई पी, वेयर सी आई के इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 और इंटू एन ए आई जे और इंटू बी जे के। ये दोनों एलिमेंट, दोनों नंबर सेम रहने चाहिए, तभी हम इंटू कर सकते हैं। और ऐसा समेशन क्यों लगाया और ऐसा क्यों किए हैं, इन दोनों का इंटू किए हैं, तो ध्यान दीजिए, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकेंड मैट्रिक्स है बी 11 बी 12 बी 21 बी 22, और इसको हम इंटू करेंगे ए 11 इंटू बी 11 और प्लस ए 12 और इंटू हो जाएगा बी 21। ऐसे ही इसका इंटू इधर करेंगे तो यह आ जाएगा ए 11 इंटू बी 12 और प्लस ए 12 और प्लस बी 22। इस प्रकार से आता जाएगा, ये सम के फॉर्म में हैं, ऐसी बहुत सारे टर्म आएंगे। यदि इधर नंबर ऑफ कॉलम्स एन होंगे तो इसीलिए हम यहाँ पर समेशन लगाए हैं, जे इज इक्वल टू 1, ये देख रहे हैं ये 11 है, फिर 22 आएगा, ऐसे ही ये 11 है और ये 22 है, ऐसे ही ये आता रहेगा, इसलिए हम ये समेशन लगाए हैं। सभी का क्या है, ये एड है, जे इज इक्वल टू 1 से एन तक का, इसलिए हम इधर जब भी इंटू कर रहे हैं, ए टू मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, समेशन लगाए हैं।
ये वैल्यूज है, ए इंटू बी का वैल्यू है सी आई के एम बाई पी। यदि हम इसका इंटू करके कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा, जो भी एलिमेंट मिला है इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा हमको इस प्रकार से। राइट हैंड साइड को देखते हैं हम, राइट हैंड साइड इसको मिटा दे रहे हैं। राइट हैंड साइड ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट का वैल्यू ए आई जे इंटू बी का वैल्यू बी जे के, इसको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू वन अप टू एन, और ए आई जे इंटू बी जे के कॉन्जुगेट जे इज इक्वल टू वन अप टू एन। और हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक प्रॉपर्टीज होता है, यदि Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और होल कॉन्जुगेट है तो इसको हम Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर Aij और Bj के होल कॉन्जुगेट लगा देंगे। पुनः एक प्रॉपर्टी होता है Z1 प्लस Z2 प्लस डेज 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 Zn तक का यदि कॉन्जुगेट हम लगाएं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमें मिलता है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट प्लस डेज 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 Zn कॉन्जुगेट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो है बहुत सारे टर्म का सम है, इसको हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू वन ए आई जे और इंटू बी जे के और होल कॉन्जुगेट हम लगा सकते हैं। और इसी बात को हमने इधर लेट किया था, इसका मतलब ये है सी आई जे कॉन्जुगेट एम बाई पी। इस प्रकार से हमने प्रूफ कर लिया कॉन्जुगेट ए और कॉन्जुगेट बी का भी वैल्यू वही आया और ए बी होल कॉन्जुगेट का भी वैल्यू सेम आया। तो वी कैन से दैट ए बी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ए इंटू कॉन्जुगेट बी, थ्योरम सेकेंड। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इज एडॉप्टेबल फॉर सम, यदि ए तथा बी दो अवयव योग के लिए अनुकूलनीय हो तब ए प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। बाय डेफिनेशन ए प्लस बी होल स्टार, इसका मतलब क्या है हम पढ़ रखे हैं, ए स्टार इज इक्वल टू होता है ए कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज। इस डेफिनेशन के आधार पर हो जाएगा ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। और अभी हमने थ्योरम फर्स्ट में किए हैं कि ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम लगा लिए, इधर भी लगा लिए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है ए स्टार और ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट इसका मतलब है बी स्टार। ए प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। थ्योरम नंबर फोर, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इज एडॉप्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यदि ए तथा बी दो अवयव गुणन के लिए अनुकूलनीय हो तब ए बी होल स्टार इज इक्वल टू बी स्टार इंटू ए स्टार के इक्वल होगा, ये हमारा थ्योरम नंबर फोर कहता है। बाय डेफिनेशन ए बी होल स्टार को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं ए स्टार इज इक्वल टू होता है ए कॉन्जुगेट इंटू होल ट्रांसपोज होता है। ए बी स्टार को हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज, हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम रिवर्सल लॉ अप्लाई करें, हम जानते हैं कि रिवर्सल लॉ क्या होता है, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमारा रिवर्सल लॉ होता है। रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लेंगे तो ये बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम बी स्टार लिखते हैं
और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ए स्टार लिखते हैं। इस प्रकार से ए बी होल स्टार इज इक्वल टू आ गया बी स्टार इंटू ए स्टार के इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 5, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए स्टार होल स्टार इज इक्वल टू ए। हम जानते हैं ए स्टार इज इक्वल टू होता है ए कॉन्जुगेट एंड अ होल ट्रांसपोज। यदि हम ए स्टार में अगेन फिर से स्टार लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट और स्टार, सॉरी ट्रांसपोज। इसमें फिर से स्टार लगाएं तो फिर से एक कॉन्जुगेट लगेगा और अगेन एक ट्रांसपोज लगेगा। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट अगेन फिर से कॉन्जुगेट करें तो हमें मिलता है फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हमको मिल जाता है। तो हमें मिल जाएगा ए कॉन्जुगेट और फिर से कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमें ए ही मिल जाएगा। ये ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में भी जानते हैं कि ए यदि कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करें अगेन फिर से उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें ए ही मिल जाता है। तो ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए। तो वी कैन से दैट द हर्मिशियन मैट्रिक्स ए एंड होल मैट्रिक्स एंड होल हर्मिशियन मैट्रिक्स ए स्टार अगेन स्टार इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट